सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं चिराग लेकर नए ट्यूटोरियल आपके पास। तो पिछली वीडियो में जो मैंने पहला पार्ट था बेसिक से रिलेटेड, उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, उसकी मीनिंग क्या है और जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया था। तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, पर उससे पहले मैं आपको कंपनी क्रिएट करने के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज हमारा दूसरा जो डे है यानी पार्ट टू है, वो कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड होगा। तो अगर आपने टैली इंस्टॉल नहीं की तो आप टैली सॉल्यूशन की साइट से जाके टैली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके का आइकन आ जाएगा जो tally.erp9 लिखा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगी। शुरू में ओपन होने में हल्का टाइम लेगी, तो जैसे ही ये ओपन हो गई आप इसमें देख सकते हैं कि आप वर्क इन एजुकेशनल मोड आपको दिख रहा है। आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल परचेज की हुई है तो आप लॉग इन एस रिमोट tally.net यूजर की तरह इसको लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन ये हमने परचेज नहीं की हुई तो ये एजुकेशनल मोड है। अगर आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं नीचे आपको लाइसेंस एंड सर्विस एजुकेशनल मोड दिख रहा है। तो ये एक इंटरफेस है टैली का। जैसे ही हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक कंपनी ओपन हो जाती है, लेकिन आप जब न्यू टैली इंस्टॉल करेंगे तो कोई कंपनी ओपन नहीं होती है। यह हमने कंपनी क्रिएट की हुई थी तो फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपनी ओपन हो जाती है, इसलिए मैंने आपको ये क्रिएट ओपन करके दिखाई। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको ये सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन जो दिख रहा है, इसके नीचे शट कंपनी दे रखा है, तो आप माउस की सहायता से शट कंपनी कर देंगे, या आपको जो ये सिंगल F1 के नीचे सिंगल लाइन दे रखी है, इधर आप क्या करेंगे Alt F1 यूज़ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सिंगल लाइन का मतलब होता है Alt और एक डबल लाइन भी होती है उसका मतलब होता है कंट्रोल। तो अभी आपका पहला बेसिक का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको Alt F1 प्रेस करना पड़ेगा जिससे ये हर्ष एंटरप्राइज जो है वो बंद हो जाएगी और आप नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप Alt F1 से आ गए। अब Alt F1 पर आते ही जब आपकी पहली बार टैली इंस्टॉल होती है और ओपन करते हो तो इसी टाइप से दिखेगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपने कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं की हुई। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखते हैं आप क्रिएट कंपनी पर आ गए, आपको जो यहाँ रेड रेड जो आपको बोल्ड लेटर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप की का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम की का यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पर एरो का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपके कीबोर्ड में जो एरो का यूज़ है उसके थ्रू आप क्रिएट कंपनी में चले आएंगे और एंटर कर देंगे। जैसे ही आपने एंटर किया तो आपको सबसे पहले पार्ट इसमें दिख रहा है वो दिख रहा है डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी में आप जाते हैं तो आपको डायरेक्टरी में सी यूजर्स पब्लिक tally.erp9 डेटा, ये बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी शो होती है। आप इसका पाथ चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको शो करना दिखाऊंगा, पर अभी हम ये कर रहे हैं कि जब भी हमारी कोई भी कंपनी क्रिएट हो तो वो नए ऑप्शन में जाए, नई डायरेक्टरी में जाए, तो हम यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम हर कंपनियों को अलग अलग डायरेक्टरी में डाल सकते हैं जो भी हमने कंपनी क्रिएट की है, या हम जो भी फॉर्म का नाम लिखेंगे वो नीचे नेम पे आ जाएगा आपका। तो डायरेक्टरी का मतलब क्या हुआ कि आपको जिस भी लोकल डिस्क CDE या ड्राइव में डालनी है तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ डी फुल कॉलन और ऑब्लिक, तो याद रख लेना डी फुल कॉलन लगाना है आपको, सेमी कॉलन नहीं लगाना और ऑब्लिक का साइन लगाना है। डी आप चाहे स्मॉल में या कैपिटल में लिख सकते हैं। मैं डी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी लोकल डिस्क CDE और E है, तो मैं डी में ई में भी डाल सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपको चेंज करना सिखा रहा हूँ। अब जैसे मैंने कोई फोल्डर बनाया, अब मैं बोल सकता हूँ कि जैसे मैंने बनाया सलमान, तो ये उस फोल्डर में चली आएगी। इसके बाद मुझे इसका अगर सब फोल्डर भी बनाना है तो मैं ऑब्लिक लगा दूंगा, अगर नहीं बनाना तो छोड़ दूंगा यहीं पर, और अगर बनाना है तो मैं एक और बार ऑब्लिक लगाऊंगा। यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने हैं तो उसके लिए ऑब्लिक काम में आएगा। अब डी का मतलब पाथ हो गया, सलमान मतलब आपका फोल्डर, फिर जैसे इसमें मैंने कर दिया टैली तो फोल्डर बन जाएगा और नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो अब आप नेम है, नेम में आप कंपनी का कोई सा भी नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया XYZ लिमिटेड, या अगर आपको फर्म का किसी का नाम लिखना है तो XYZ ट्रेडर्स, या जो भी कंपनी फर्म पार्टनरशिप इंडिविजुअल बिजनेस जिसका भी नाम लिखना है वो लिख सकते हैं। मेलिंग नेम का मतलब होता है कि जब आपने कंप्यूटराइज बिल प्रिंट होते हुए देखा होगा या आपने कभी कोई गुड्स खरीदा होगा और कंप्यूटराइज बिल मिलते हैं
तो उसमें प्रिंट में कंपनी का नाम होता है, एड्रेस होता है, तो वो प्रिंट जब वो करते हैं तो वो पहले ही यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एड्रेस ये सेट कर लेते हैं। तो अगर आपको कंपनी क्रिएशन में सिर्फ एंट्री सीखनी है तो आपको यहाँ पे एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको साथ में एड्रेस भी लिखना है क्योंकि आपको सेल्स का बिल भी प्रिंट करना है, या आपको चालान में फॉर्म भी निकालने हैं GST के, चालान भरना है, तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं यूज़। तो आप एड्रेस में आ जाओ, तो मैं जब आपको प्रिंटिंग का पार्ट सिखाऊंगा, या मैंने GST से रिलेटेड टॉपिक डाले हुए हैं उसमें भी मैंने प्रिंटिंग का पार्ट सिखाया हुआ है, तो आप वहाँ देख सकते हैं इससे रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे मैंने एड्रेस डाल दिया, ये मैं आपके सामने डाल देता हूँ। जैसे मैंने एड्रेस डाल दिया, अब मैंने एंटर किया, आपका तरीका ये रहता है कि आप एंटर यूज करें या आप टैब का यूज करें, वो भी कर सकते हैं। मैं ध्यान आपको बताना चाहता हूँ कि आप एंटर और टैब दोनों का यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके अलावा जैसे आप कंट्री में आए, तो आप कंट्री में मैंने इंडिया कर दिया, स्टेट पे आया, स्टेट में मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया गलती से। अब अगर मुझे पीछे आना है तो मैं किसका यूज करूंगा, बैक स्पेस का। वैसे आप एरो का यूज भी कर सकते हो, जो अबव वाला एरो होता है, लेकिन आप इससे अच्छा बैक स्पेस का यूज करें। तो आप आगे आने के लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एंटर का यूज कीजिए, और पीछे जाने के लिए आप बैक स्पेस का, आगे आने के लिए आप टैब का भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी आदत है। तो मैंने पीछे आने के लिए बैक स्पेस का यूज किया और मैंने राजस्थान कर दिया। तो आप पिन कोड लिख दीजिए, अगर कोई गलती हो गई होगी, जैसे आपको 0 नहीं लिखना था, 003, उसकी जगह आपको 113 लिखना था, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एरो का यूज कर सकते हैं। तो आपने लेफ्ट एरो देखा होगा, तो आप लेफ्ट एरो जैसे ही दबाएंगे अपने साइड वाला, तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि हमारे साइड से रिलेटेड लेफ्ट है, तो अगर आपको लेफ्ट एरो दिख रहा है तो आप लेफ्ट एरो दबा के, आपको ब्लिंक कर रहा है तो आपको 0 हटाना है, तो आप बैक स्पेस से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो बैक स्पेस डिलीट के लिए भी काम में आता है, याद रखना, बैक स्पेस पीछे जाने के लिए भी काम आता है और डिलीट करने के लिए भी काम में आता है। तो जैसा मैंने यहाँ फोन नंबर लिख दिया जो भी है, तो ये मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ, और फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब आप लिख सकते हैं अगर आपकी कंपनी या फर्म की है। अब अपने दो इसमें होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर होता है और एक अकाउंटिंग ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर याद रखना हमेशा वित्तीय वर्ष कहलाता है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक होता है। तो जैसे अभी मैं बोल सकता हूँ कि अभी जो चल रहा है वो 1 अप्रैल 17 चल रहा है, वहां से लेकर ये 31 मार्च 18 तक चलेगा। फिर जैसे ही किसी की नई अकाउंटिंग होगी तो वो 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 करेगा, लेकिन किसी ने बिजनेस जब भी स्टार्ट किया तो वो वहां से फाइनेंशियल स्टार्ट नहीं करेगा, वो अप्रैल से मार्च ही लेगा। क्योंकि फाइनेंशियल अगर आप एक बार ले लेते हो तो आपको बार बार कंपनी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें रेगुलर फिर काम कर सकते हो, तो हमें एक बार ही कंपनी क्रिएट करने की जरूरत होती है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया है जून 17 में, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च ही होगा। अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है मई 18 में, तो यहाँ से हो गया अपना 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल 17 है, तो यहाँ पे 2 नहीं देता, 2 का मतलब ये अपने आप ही डिनोट कर देता है 31 मार्च 18, क्योंकि ये 12 महीने का पीरियड लेता है। तो जैसे ही आपने 1 अप्रैल 17 लिखा तो इसने 31 मार्च तक कर दिया। फिर ये बुक्स बिगिनिंग होती है, ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होती है, ये जो आपको फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है बिगिनिंग फ्रॉम, तो जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम जो इसके नीचे दिख रही थी, वो हमेशा किससे स्टार्ट होती है, आपकी फाइनेंशियल ईयर से या उसके अंदर से। तो जैसे अगर मैंने बोला कि आपने बिजनेस स्टार्ट 2 जून से किया है, तो आप 2 जून लिख सकते हैं। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करा है 1 जुलाई से, तो आप 1 जुलाई लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैंने बोला कि आपने बिजनेस स्टार्ट 1 जनवरी 17 को किया, तो वो आप नहीं एंटर कर सकते हैं, वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर 16-17 करना पड़ेगा, क्योंकि 16-17 का मतलब है 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17, और हमारा जो अकाउंटिंग है वो 1 जनवरी 17 से हो रही है। तो आपने इस पार्ट को क्या करना है, 1 अप्रैल 17 है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अभी आप सीख रहे हो तो अभी आप 1 अप्रैल 17 ही करें, और जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो अगर आप उसमें देख रहे हो 1 मई 17, तो 17-18 से रिलेटेड है, तो आप उसके लिए देखा करो कि फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, वो आपका अप्रैल से मार्च है, तो उसके अंदर या उसके शुरू से आपकी बुक्स बिगिनिंग होनी चाहिए। तो
तो 2 यहाँ पे कहीं नहीं लेता, वो 31 मार्च को इग्नोर करेगा, ठीक है। अब आपका टैली वॉल्ट पासवर्ड है, तो इसको मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी आपको कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड पार्ट देखना था, तो इसका टॉपिक आपका बाद में आएगा। और ये जो बेस करेंसी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, इसका पार्ट भी आपका क्या आएगा, जब आप प्रिंट निकालना सीखेंगे तब आएंगे, क्योंकि अभी आपको ये बताना वेस्टेज है। मैं अगर आपको अभी बता देता हूँ तो आपका बाद में ये पार्ट वैसे ही आप भूल जाओगे, तो जब प्रिंटिंग का पार्ट आएगा तब आप सीख जाओगे, तो अभी आप इसको हम रहने देते हैं। आप इन सब के बाद एंटर एंटर कर सकते हैं, जैसे ही आप लास्ट तक एंटर करते हैं तो आपका एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, जिसमें आप क्या बोलेंगे कि यस और नो। तो अगर हमने एंटर कर दिया तो वो यस हो जाता है, या हमने वाई कीबोर्ड का जो वाई बटन है वो दबाया तो यस हो जाता है, और एन दबाया तो वापस पीछे हट जाएगा और वापस से कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी वो कंपनी क्रिएट नहीं हुई तो आपको यस करना जरूरी है। दूसरा ये ऑप्शन है कि आप पीछे आ गए बैक स्पेस से, मैं बैक स्पेस से गया, अब मुझे पता था कि यहाँ के बाद मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, यानी मुझे पासवर्ड भी क्रिएट नहीं करना, मुझे कोई एडजस्टमेंट नीचे बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में भी नहीं करना, तो मैं यहीं था, तो मैं कंट्रोल प्लस ए ऑप्शन दबा दूंगा। कंट्रोल प्लस ए करते ही देखो फटाफट कंपनी क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड ट्रेडर्स कंपनी का नाम, यहाँ पे आपको करंट पीरियड दे रखा है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, तो जनरली ये फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होता है। यहाँ पे जो आएगी कि अगर मैंने बोला कि मैंने 2 मई से बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पे वो डेट आ जाती करंट डेट। अगर मैंने कोई एंट्री की है तो मुझे लास्ट डेट की एंट्री बता देगा, जैसे मैंने 3 महीने की एंट्री कर ली अप्रैल मई जून की, और जून की एंट्री मैंने 30 जून की कर दी, तो वो भी मुझे दिखा देगा। याद रखिए कि मेरा एजुकेशनल मोड है, तो मैं हर महीने की सिर्फ 1, 2 और 31 की एंट्री ही कर सकता हूँ। जब आपका प्रैक्टिकल वर्जन होगा ओरिजिनल, तो उसमें आप कितनी भी डेट की एंट्री कर सकते हैं। ये जो आपका इंटरफेस दिखा रहा है, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली, क्योंकि यहीं से ही आप अकाउंटिंग करते हैं, यहीं से आप रिपोर्ट्स देखते हैं, यहीं से आप ग्रुप क्रिएट करते हैं, लेजर जो हम बोलते हैं कि सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो सारे क्रिएट करते हैं। ये एक बार दे रखी है जो शॉर्टकट की बार है, अगर आपको ये पार्ट सीखना है तो ये पार्ट मैं आपको फिर अगले ऑप्शन में, यानी डे 3 के पार्ट में सिखाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब की वीडियोज़ में मैं आपको लिमिटेड पार्ट ही बता सकता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और बोरिंग हो जाती है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, तो आप इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और हाँ, मैं एक गिव अवे भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसकी मैं डिटेल आपको दे दूंगा, तो आप मेरा पेज है फेसबुक पे सी क्यूब एजुकेयर, उसको भी जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि गिव अवे की डिटेल मैं उसी में आपको दे सकता हूँ। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।